मुखिया की हत्या के विरोध में प्रखंड मुखिया संघ ने प्रखंड कार्यालय पर दिया धरना। बेगूसराय सदर प्रखंड के परना पंचायत के मुखिया वीरेंद्र शर्मा की हुई निर्मम हत्या के विरोध में बुधवार को जिला मुखिया संघ के आह्वान पर प्रखंड मुखिया संघ वीरपुर इकाई ने प्रखंड कार्यालय परिसर में एक दिवसीय धरना दिया। धरना कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख मीना देवी ने किया। संचालन वीरपुर पूर्वी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि राम प्रवेश सिंह ने किया। धरना कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने कहा कि घटना की जितनी निंदा की जाए उतना ही कम होगा। धरना के माध्यम से पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा एवं परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की गई। साथ ही जिले के तमाम मुखिया की सुरक्षा की गारंटी की मांग प्रशासन से की गई। धरना को मुखिया दीपक कुमार, अशोक पासवान, आशा देवी, पूर्व मुखिया सुखराम महतो, सरपंच विश्वनाथ पंडित, उप प्रमुख सुबोध पासवान, भाजपा मंडल अध्यक्ष चुन्नू कुमार चंदन, सामाजिक कार्यकर्ता बबलू चंद्रवंशी समेत कई वक्ताओं ने संबोधित किया। सारे लोग एक दिवसीय धरना कार्यक्रम कर रहे हैं। साथियों, यह किसी जनप्रतिनिधि की हत्या कर देना किसी भी मामला को बातचीत से सुलझाया जा सकता है, और जब चुनाव होता है कोई जरूरी नहीं है आज जो जीते हैं कल भी जीतेंगे, कल उनका भी समय आ सकता है, इसलिए इस पर हत्या की राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं अपने सारे वीरपुर प्रखंड के जनप्रतिनिधियों से यह कहना चाहता हूं कि आप पचवें बार पंचायत चुनाव व्यवस्था का चुनाव हुआ, लेकिन वीरपुर प्रखंड पूरे बिहार में एक अकेला प्रखंड है जहां एक भी जनप्रतिनिधियों की। तीन दिवसीय सीताराम धुनी यज्ञ के समापन पर निकाली गई कलश विसर्जन यात्रा। वीरपुर प्रखंड के गिनहरपुर पंचायत के बरहड़ा गांव के डीहबार स्थान में आयोजित तीन दिवसीय सीताराम धुनी यज्ञ के समापन पर बुधवार को कलश विसर्जन यात्रा निकाला गया। यह कलश विसर्जन यात्रा गाजे बाजे के साथ यज्ञ स्थल से शुरू होकर बरहड़ा गांव व गिनहरपुर के विभिन्न मार्गों से भ्रमण करते हुए बरहड़ा की बलान नदी पहुंचकर कलश का विसर्जन किया गया। उक्त कलश विसर्जन यात्रा में कुल 121 कुमारी कन्याओं ने नए परिधान में सज धज कर कलश विसर्जन यात्रा में चार चांद लगा दी। पूरे बरहड़ा सहित आसपास के गांव में तीन दिनों तक भक्तिमय का वातावरण बना रहा। वे श्रद्धालु मंडप का परिक्रमा करते हुए पूजा अर्चना भी किए। मौके पर ज्योति नाट्य कला परिषद डीबार स्थान बरहरा के कई कार्यकर्ता सहित सैकड़ों श्रद्धालु व ग्रामीण मौजूद थे।